ग्रहणी सूर्य आदित्याय नमः। ॐ ग्रहणी सूर्य आदित्याय नमः। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों जा रहे हैं कटारमल सूर्य मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और ये अल्मोड़ा से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से अल्मोड़ा से जब हम कोसी तक आते हैं तो कोसी से फिर 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जब हम इस खूबसूरत पहाड़ी मंदिर में जाते हैं तो यहाँ से आसपास के हिमालयी परिदृश्य बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हाइट में हमें जाना पड़ता है, थोड़ा सा जब हम नीचे रोड पे आते हैं तो यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई है, तो ये कच्चा रास्ता जो दिख रहा है, तो इसी रास्ते से हमें ऊपर मंदिर तक पहुँचना पड़ता है। कटारमल सूर्य मंदिर 8 शताब्दियों से अधिक पुराना है। इसे भारत के सबसे पुराने सूर्य मंदिर में से एक बताया जाता है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था, जो कला और वास्तु कला के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। जो ये मंदिर है, ये अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और जैसे जैसे हम मंदिर के पास तक पहुंचते जाते हैं तो आसपास बहुत सुंदर, ऊपर हाइट में जाते तो नीचे बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ से ऊपर देखिए, वो सामने मंदिर दिख रहा है। जब ये पूरे मंदिर एक परिसर में हम पहुँचते हैं तो यहाँ से राजसी, नंदा देवी और क्षेत्र की अन्य ऊंची चोटियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य भी हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। और जब हम इस मंदिर पे पहुँचते हैं तो मंदिर का जो लेआउट है वो वास्तुकला और खगोलीय गणनाओं के साथ डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक माना जाता है। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। भगवान सूर्य देवता की कृपा आप और आपके सभी परिवारजनों पे हमेशा बनी रहे। भारत का सबसे बड़ा मंदिर उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर के बाद दूसरा मंदिर अल्मोड़े का ये कटारमल सूर्य मंदिर माना गया है। ये मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो नागर और द्रविड़ वास्तुकला के जटिल डिजाइनों का एक संयोजन है। ये जो सामने फूल मालाएं वाले दिख रहे हैं, ये मेन मंदिर है। और जो ये आसपास छोटे छोटे मंदिरों के और समूह दिख रहे हैं, ये पूरे 45 मंदिरों के समूह से ये मंदिर चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिनका निर्माण अलग अलग टाइम में किया गया है। और मंदिर के अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर बाहर ही मैं आपको दिखा रही हूँ। जब भी मन अशांत होता है या हम खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो हम मंदिर में अगर भगवान जी के सामने हम आते हैं तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का हमें एहसास होता है, और लगता है जैसे कि हम फिर से रिचार्ज खुद को महसूस कर रहे हैं। मन में एक अलग ही शांति और आनंद का अनुभव हमें महसूस होता है। बताया जाता है कि यहाँ पर कालेनेमी नामक राक्षस का आतंक था, तो यहाँ के लोगों ने भगवान सूर्य का आह्वान किया। भगवान सूर्य ने लोगों की रक्षा के लिए बरगद में विराजमान हुए, तब से उन्हें यहाँ बड़ आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। वो बड़ जब अंदर हम मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो वहाँ पे के दर्शन कर सकते हैं हम, वहाँ पे साक्षात रूप में, जिन्हें चारों तरफ से ढक के रखा गया है। क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है वो ना किसी धातु की है ना पत्थर की है, वो साक्षात लकड़ी के बड़ वृक्ष की है, जिसमें साक्षात भगवान सूर्य विराजमान है। इस मंदिर को 9वीं सदी में कत्यूरी शासक कटारमल देव के द्वारा बनाया गया था। ये जो सामने आपको होल दिख रहा है, यहाँ से 22 अक्टूबर को जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन जाते हैं तब सूर्य की किरणें भगवान प्रतिमा पे अंदर गर्भगृह में पड़ती है, और जब 22 फरवरी को दक्षिणायन से उत्तरायण सूर्य भगवान जाते हैं तो तब भी ये किरणें सूर्य भगवान पे पड़ती है अंदर गर्भगृह में। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और ये सवेरे के टाइम पर चमत्कार होता है। मतलब साल में 2 बार सूर्य की किरणें भगवान की मूर्ति पर सीधे पड़ती है, 22 अक्टूबर और 22 फरवरी को सुबह के समय यह देखने को मिलता है।
और हर साल यहाँ पे लाखों की संख्या में कई दूर दूर से पर्यटक पहुँचते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थल होने की वजह से मंदिर के रखरखाव का खास ध्यान रखा जाता है। इस मंदिर में चंदन की लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था जो अब दिल्ली के म्यूजियम में रखा गया है। मंदिर परिसर में जो 45 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है, इनमें पहले प्रतिमाएं हुआ करती थीं, लेकिन बीच में कुछ मूर्तियां यहाँ से चोरी हो जाने के कारण सारी मूर्तियों को अब मंदिर के अंदर गर्भगृह में सुरक्षित रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में, और जय बड़ आदित्याय नमः। थैंक्स फॉर वॉचिंग।